नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देखे ही होंगे कि हम हाई स्कूल और इंटर यानी यूपी बोर्ड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ लेकर आ जाए हैं। इस न्यूज़ में हम आपको आज ये बताएं कि जो फेक न्यूज़ आपको सुनाई दे रही है कि जो भी परीक्षा दिया गया है बोर्ड का, उसमें विद्यार्थियों को वैसे ही पास कर दिया जाएगा, कापियाँ चेक नहीं हो रही हैं, उनको वैसे ही पास कर दिया जाएगा इस कोरोना बीमारी के चलते हुए। तो हम आपका ये डाउट क्लियर कर देंगे कि ये बात नहीं है। बात क्या है वो भी बताएंगे, एक न्यूज़ है उस न्यूज़ को हम दिखाएंगे अभी, और सारी बात क्लियर कर देंगे कि आपकी एग्ज़ाम डेट कब आएगी। लगभग अभी तो कोरोना बीमारी तेज़ी से थोड़ा चल रही है, सभी देश में जान रहे हैं, अपने देश में सीमित है, फिर भी जो भी न्यूज़ है हम उसको बताएंगे। तो देर नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को चलते हैं स्टार्ट करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बगल मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, इसमें न्यूज़ को हम दिखा रहे हैं। ये आपका न्यूज़ है, देखिए। इसमें यूपी बोर्ड रिजल्ट का लॉकडाउन की वजह से यूपी बोर्ड का शेड्यूल जून में आ सकता है हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट, ये आपका क्लियर है इसमें। तो हम पूरा पढ़ करके एक एक करके सुनाते हैं, ठीक है। तो कोरोना के कारण हुई लॉकडाउन से यूपी बोर्ड टाइम टेबल बिगड़ गया है, और नियम के अनुसार बोर्ड 27,000 से अधिक स्कूलों में 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए थे, लेकिन फिलहाल अप्रैल में स्कूल खुलने का आसार नहीं दिख रहा है, ठीक है। और 2020 और 21 की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, उनका किताबों का प्रकाशन 21 मार्च तक होना था, और इसके लिए टेंडर भी हो गया था, लेकिन अब तक छप नहीं सका। सबसे अधिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम प्रभावित हुआ है, बोर्ड परीक्षा जो परिणाम है वो भी इससे बहुत प्रभावित हुआ है। 16 मार्च से मूल्यांकन शुरू होकर 25 मार्च तक आपका ये पूरा होना था, लेकिन 18 मार्च से स्कूल रोक दिया गया, 18 मार्च से स्कूल रोक मूल्यांकन रोक दिया गया है, और समय से काम न होने पर स्कूल और इंटरमीडिएट 56 लाख अधिक छात्र छात्राओं ने परिणाम 24 अप्रैल तक घोषित किया था। यही है, 24 आपको अप्रैल तक इसमें सीमित कराया गया था, 24 अप्रैल को कि आपकी परीक्षा का रिजल्ट जो है मिल जाएगा, पर ये ऐसा नहीं है। और इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट की भी आपकी परीक्षा जो होती है स्क्रूटनिंग होती है, तो ये जुलाई में कराकर 10 अगस्त तक परिणाम जारी हो सकता था। टोटल परीक्षा कंपार्टमेंट और सभी परीक्षा 10 अगस्त तक परिणाम होना था, लेकिन तकरीबन 1 महीने के समय देते थे, उसके बाद आपका अगला नया सत्र चालू रहता था, लेकिन ये सब नहीं है। तो कक्षा 9 और 11 का अग्रिम पंजीकरण भी आ जाता है, तो ये भी होना था अग्रिम पंजीकरण, लेकिन वो भी रुक गया। 10वीं 12वीं के फॉर्म भरवाने के लिए काम पिछड़ता जा रहा है, ये काम पिछले सितंबर में हो गया था, ये सितंबर में हो गया था, लेकिन अब की बार कोई पता नहीं। तो इस तरह से इंटर की बोर्ड परीक्षा भी असर पड़ना तय है कि 18 फरवरी से परीक्षाएँ शुरू कर दी थी, लेकिन अगले सब साल फरवरी में परीक्षा करवाना मुश्किल होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकेगा। इस तरह से पाठ्यक्रम कहाँ पूरा होगा, अभी लेट में सारी क्लासें चलेंगी तो पाठ्यक्रम नहीं पूरा होगा। तो 767 नए कॉलेजों की मान्यता भी फंसी है, अभी मान्यता भी कॉलेजों की है, तो इस तरह से बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। और कुल मिलाकर के यूपी बोर्ड प्रयागराज, मेरठ और वाराणसी, बरेली, गोरखपुर, इन सभी क्षेत्रों में ऐसा आपको देखने को मिला। तो चलते हैं और दिखाते हैं। ये है कि 2022 की हाई स्कूल परीक्षा इंटरमीडिएट परीक्षा सम्मिलित होंगे बंदी के कारण, जो ये सब है पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सीबीएसई जो थी वो आगे रहती है, लेकिन वो भी अप्रैल में ही इधर सत्र शुरू हो जाता, तो 20 अप्रैल तक अचानक परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी, उनको भी परीक्षाएं सभी चीज़ें स्थगित करनी पड़ी, और जबकि 23 मार्च को पेपर ख़त्म होना था। ये सब सीबीएसई बोर्ड की बात हो रही है। तो इस तरह से
हमें ये पता चलता है कि आपकी परीक्षा जो है वो जून तक, जून के पहले सत्र में आएगी। ध्यान रखिए, जून के फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा आनी है। ध्यान में रखिएगा, जून के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा होनी है, जून, ठीक है। फर्स्ट वो परीक्षा, परीक्षा का रिजल्ट आएगा, सॉरी, परीक्षा का रिजल्ट जून के फर्स्ट में आएगा। लगभग कोई फिक्स नहीं है, अभी बीमारी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ही आपका ये बढ़ सकता है। चलते हैं अगली न्यूज़ क्या है इसको भी बताते हैं। ये देखिए, जो यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के सभी छात्रों को फर्जी पास करने वाली जो न्यूज थी वो भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिया है। यूपी की वेबसाइट, यूपी बोर्ड पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे सारी सूचना आपको मिल जाएगी। कोई भी न्यूज नहीं, ये सब फेक न्यूज है, जैसा कि यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते चलते 10वीं और 12वीं के छात्रों को वैसे ही पास कर दिया जाएगा, क्योंकि कापियाँ चेक नहीं हो रही। पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आ गया है पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिक्कतें आ रही हैं इसकी वजह से। तो माध्यमिक जो शिक्षा परिषद है, इन्होंने, यूपी बोर्ड ने साफ कह दिया है कि ये सर्कुलर पूरी तरह फर्जी है और इसे गुमराह ना हो। बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है इस पर आपको ये सूचना मिलती रहेगी, तो इस तरह से आप कहीं पर भी इसकी सूचना पाएं, जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर, मीडिया आदि से वायरल हो रहा है जो इस पे, तो इसको आप फेक मान लें, ठीक है। और अगर कोई इस पर अगर कोई ज़्यादा दबाव डाल रहा है तो आप अनाधिकृत फर्जी भ्रामक सूचनाओं का दंडनीय अपराध, इस पर आप केस भी कर सकते हैं ज़्यादा अगर फर्जी करता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इनकी मेन वेबसाइट पर आप विजिट करते रहिए, आपको मिल जाएगी। ये है इनका स्क्रीनशॉट, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये है, यहाँ पर वो दिखाई नहीं देगा, ये है उनका महत्वपूर्ण सूचना, इन्होंने अपनी आधिकारिक वेबसाइट में डाला था, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको इतने लाख पंजीकृत इस वर्ष थे और इतने लाख ने छोड़ दी थी, और 3 करोड़ कापियों का मूल्यांकन किया जाना था, फिर भी कुछ भी नहीं हो पाया, क्या करें। लेकिन सब कुछ होगा और परीक्षा का रिजल्ट भी आएगा, थोड़ा लेट आएगा। बीमारी जैसे जैसे बार ठीक होती जाएगी थोड़ा, तो आपका परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, बस आप ध्यान में ये रखिए कि आपकी परीक्षा का रिजल्ट आएगा, ठीक है। परीक्षा रिजल्ट, पहली सूचना जो आपको रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आपका 24 अप्रैल को आना था, ठीक है। ध्यान रखिए 24 को आना था, पर डिले होगा, ठीक है, डिले होगा। ये कब होगा, ये आपका जून, जून के फर्स्ट सप्ताह में, जून के फर्स्ट सप्ताह में, क्लियर। और दूसरी आपकी ये सूचना थी कि आपका जो फेक न्यूज थी कि पास कर दिया जाएगा सभी को, पास कर दिया जाएगा, नो, पास नहीं किया जाएगा, आपको चेकअप कापी द्वारा चेक किया जाएगा उसी तरह से। और भी शिक्षा के कुछ न्यूज आई थी, शिक्षा विभाग के कुछ मंत्री आपस में बात कर रहे थे कि पास कर दिया जाएगा, और जैसे पिछली परीक्षाओं में वो मार्क लाया उसी परीक्षा के आधार पर उनको पास कर दिया जाएगा। पर देखते हैं, अगर न्यूज ऐसी आती है, न्यूज आई थी वो मीडिया पर बोले थे, लेकिन उनकी अभी पूरा पक्का हो जाए, जब जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगी सूचना, हम कोई भी आपको कह नहीं सकते। और न्यूज आपको मिली है कि उनको पास कर दिया जाएगा, अगला सत्र चालू कर दिया जाएगा, और पिछले परीक्षा के आधार पर, पिछली क्लास के आधार पर उनको पास किया जाएगा, तो पास कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत सारा काम है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों में, और सभी को यह खबर पहुंचा दीजिएगा। इसी तरह हाई स्कूल इंटरव्यू संबंधी वीडियो, मोबाइल टेक्निकल संबंधी वीडियो, और कुछ जानकारी जो आपके घर में ज़रूरत है, कुछ योजनाएं जैसे जनधन खाता की योजनाएं जो अभी चल रही हैं, 500-500 रुपये, उसकी भी वीडियो डाल दी है, किसको किसको मिलेगा, और गैस सब्सिडी किसको किसको मिलेगी, उसकी भी वीडियो है। डिस्क्रिप्शन से लिंक चेक कर लीजिएगा, नहीं वीडियो जाकर चैनल पर विजिट कर, वीडियो मिल जाएगी। तो आशा करते वीडियो लगा अच्छा लगा, अगली वीडियो फिर से मिलेगी, तब तक संतोष कुमार को दीजिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।